क्या दुनिया में कोई ऐसी भी चीज है जिसे उधार लेकर भी खाना चाहिए? जी हाँ, एक चीज है जिसे उधार लेकर जरूर खाना चाहिए और उसका नाम है घी। जब हम लोगों से आचार्य चार्वाक के ये शब्द कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेकर भी घी जरूर खाओ, तो लोग बोलते हैं यार आप तो ये नास्तिक दर्शन की बात कर रहे हैं। तो भाई, घी का आस्तिक और नास्तिक दर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। घी के अंदर कुछ बात ही ऐसी है कि इसे उधार लेकर भी खाया जा सकता है। और आज हम इस वीडियो में घी का पूरा साइंस समझेंगे, आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों के हिसाब से, और किस तरह घी बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, बीमार या स्वस्थ, हर एक व्यक्ति के लिए एक कमाल की दवा, कमाल का टॉनिक बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां केवल बात होती है शुद्ध आयुर्वेद की, और वो भी आयुर्वेद की संहिताओं के प्रमाण के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी दवा की, जिसका नाम है घी। और घी के बारे में अगर आपको सबसे सही और परफेक्ट जानकारी चाहिए हो, तो वो आपको मिलेगी आचार्य वाग्भट द्वारा लिखा गया अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ में, अपने सूत्र स्थान में 5वें अध्याय में 37वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक। घी क्यों इतना चमत्कारी है, उसके सभी गुणों को उन्होंने बहुत विशेष तरह से बताया है। तो चलिए जानते हैं उसी श्लोक को। अपने 8 लाइन लंबे श्लोक में सबसे पहली लाइन में वो कहते हैं, सस्तम धी स्मृति मेधा अग्नि बलायु शुक्र चक्षुषम। शुरू के जो तीन शब्द है धी स्मृति मेधा, ये तीन की तीनों चीजें दिमाग या ब्रेन की बात करती हैं। अर्थात जब भी घी की बात होगी तो वो सबसे पहली बातें दिमाग की ही की जाएगी। आपके दिमाग के लिए वर्ल्ड में अगर कोई सबसे बेस्ट दवा की बात की जाए, सबसे कमाल का टॉनिक, एक ऐसी दवा जो दिमाग की हर तरह के काम में मदद करता है, तो उसका नाम है घी। धी स्मृति मेधा अर्थात किसी चीज को समझना, समझ के याद कर लेना और जरूरत पड़ने पर उसी बात को दोबारा रिकॉल करना, ये तीनों तरह के जो विशेष काम है दिमाग के, उन सभी के लिए घी एकदम परफेक्ट टॉनिक है, या घी इन तीनों चीजों पे सबसे अच्छा काम करता है। यही बात मॉडर्न साइंस भी कहता है कि आपका जो दिमाग है वह 25% कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, अर्थात चिकनी चीजों से बना हुआ है, और सभी चिकनी चीजों में घी सर्वश्रेष्ठ है। तो दिमाग के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो याद करना हो, चीजों को समझना हो, या हार्मोन सिक्रेशन करना हो, या फिर दिमाग को बीमारियों से बचाना हो, उन सभी में घी एक परफेक्ट दवा है। तो ऐसे सभी लोग जो दिमाग का काम करते हैं, वो चाहे पढ़ाई करने वाले बच्चे हो या दिमागी काम करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ऐसे सभी वर्ग के लोग, या फिर दिमागी बीमारियों से परेशान, जैसे चिंता, शोक, भय, क्रोध, इन चीजों से कोई परेशान है और वो कोई एक बहुत अच्छा टॉनिक या सप्लीमेंट ढूंढ रहा है, तो उसके लिए घी एक परफेक्ट ऑप्शन है। आगे क्या कहते हैं, धी स्मृति मेधा के बाद अगला शब्द जो वाग्भट ऋषि ने कहा है वो है अग्नि। आपके शरीर में जितने भी पाचन या मेटाबॉलिज्म होते हैं, वो चाहे फैट का मेटाबॉलिज्म हो या प्रोटीन का, सभी तरह का जो पाचन होता है उसमें घी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। खास करके आपकी जो जठर अग्नि है, जठर अग्नि अर्थात जो आपके शरीर में भोजन पचाने का काम करती है, उस जठर अग्नि को घी बढ़ाता है। इसलिए ऐसे सभी लोग जिनकी पाचन अग्नि कमजोर हो गई है, चाहे वो बीमारी के कारण हो या किसी भी अन्य कारणों से, या ऐसे लोग जो अपना हाजमा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी के लिए घी परफेक्ट है। शास्त्र तो ये कहते हैं शांतौ अग्नि म्रियते, अर्थात अगर आपके शरीर की अग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो घी हमारे शरीर में पाचन और जठर अग्नि को तो बढ़ाता ही है, साथ ही एक नया जीवन भी देता है। साथ ही अगला शब्द है बलायु। अब सभी लोगों को बल या ताकत जरूर चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक।
तो सभी तरह के बल देने का काम घी हमारे शरीर में करता है। साथ ही साथ दीर्घ आयु, जिन लोगों को अच्छा जीवन जीना है और लंबे समय तक जीना है उनके लिए घी परफेक्ट है। आनंद मूवी में आपने राजेश खन्ना को वो डायलॉग कहते हुए जरूर सुना होगा कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, पर आयुर्वेद कहता है कि जिंदगी बड़ी भी होनी चाहिए और लंबी भी होनी चाहिए, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजें साथ में बनी रहे, और उन दोनों चीजों के लिए घी परफेक्ट है। इसलिए अगर आपको लंबा जीवन जीना है और अच्छा स्वस्थ भरा जीवन जीना है तो उसमें घी खाना जरूर बनता है। फिर अगला शब्द है शुक्र चक्षुषाम, अर्थात हमारे शरीर में 7 तरह की धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये जो 7 तरह की जो हमारे शरीर में धातुएं हैं, ये धातुएं हमारे शरीर को धारण करके रखने का काम करती हैं, और इन सभी धातुओं को पोषण करने का काम या फिर उन्हें नरिशमेंट देने के काम में घी परफेक्ट दवा है। इसलिए रस से लेकर शुक्र धातु तक सभी धातुओं को घी नरिश करता है। साथ ही अगला शब्द है चक्षुषाम। आपने उमरावजन मूवी में रेखा का यह गाना तो जरूर सुना होगा, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंखों की मस्ती बनी रहे और आपकी आंखें लंबे समय तक सुरक्षित रहें, आंखों में किसी तरह की बीमारी ना हो, खासकर आज के जमाने में जब हम मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सभी में हमेशा नजरें गड़ाए रहते हैं, तो आप चाहते हैं अगर आपकी आंखें अच्छी बनी रहें तो घी आंखों के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है। यह तो केवल एक लाइन थी जिसमें घी के इतने फायदे हैं। अब चलते हैं दूसरी लाइन में, वाग्भट ऋषि घी के क्या क्या फायदे बताते हैं। दूसरी लाइन में उन्होंने विशेष बात बताई है कि किन लोगों को घी जरूर खाना चाहिए। वैसे घी तो सभी को खाना चाहिए, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें विशेष करके घी खाना ही चाहिए। तो दूसरी लाइन में वाग्भट ऋषि कहते हैं, बाल वृद्ध, बाल अर्थात सिर के नहीं, बच्चों की बातें यहाँ हो रही हैं, बच्चे जो 16 साल की नीचे की उम्र के बच्चे हैं उन्हें घी जरूर खाना चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत से माँ बाप आते हैं जो आकर ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा ठीक से खाता पीता नहीं, या फिर कमजोर है, या ये पढ़ाई में मन नहीं लगाता, इसका दिमाग तो बहुत तेज है पर इसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो उन सभी बच्चों को घी जरूर खिलाइए। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में कहा गया है कि धी स्मृति मेधा, अर्थात ब्रेन के लिए जो परफेक्ट टॉनिक है घी है। साथ ही साथ घी पाचन अग्नि अर्थात डाइजेशन भी बढ़ाता है। तो आपके बच्चों को अगर दिमागी रूप से तेज करना है और उनकी भूख बढ़ानी है तो आपको उन्हें घी जरूर खिलाना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो दूध नहीं पीते या फिर उन्हें दूध अच्छा नहीं लगता, और माँ बाप यह सोचकर कि दूध बहुत फायदेमंद होगा उन्हें जबरदस्ती कई तरह के चॉकलेट फ्लेवर या ऐसी कई चीजें मिला के उनको जबरदस्ती ठूस ठूस के दूध पिलाते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए अगर वो दूध नहीं पीते तो उन्हें घी खिलाइए, और दूध के जितने फायदे हैं वो सभी उन्हें घी में मिल जाएंगे। एक और बात का ध्यान रखिए, 0 से 16 साल तक बच्चों में कफ की मात्रा ज्यादा रहती है और दूध शरीर में कफ बढ़ाता है, पाचन अग्नि को मंद करता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। इसलिए घी खिलाने से उनका ब्रेन भी बढ़ेगा और पाचन अग्नि भी बढ़ेगी। तो बच्चा दूध नहीं पीता तो चिंता मत कीजिए, उसे घी में खाना बनाकर दीजिए या चावल रोटी उन चीजों में घी लगाकर खिलाइए, उसे दूध के सभी पोषण और सभी शक्ति आराम से मिल जाएगी। और किसे विशेष रूप से घी खाना चाहिए? तो वाग्भट ऋषि कहते हैं वृद्ध, वृद्ध अर्थात 80-90 साल के बूढ़े दादाजी नहीं, आज के युग में 40 साल के बाद ही बुढ़ापा शुरू हो जाता है। 35 साल की उम्र तक तो माँ का दूध, बचपन में जो माँ का दूध पिया जाता है वो हमारे शरीर की या धातुओं की रक्षा करता है, पर 35 से 40 के बाद शरीर का डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, खास करके महिलाओं में। जब 40-45 के बाद उनका मासिक धर्म बंद होता है तो बुढ़ापे संबंधी कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द, बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी लगना या ऐसी कई तरह की बीमारियां।
तो जो भी लोग 40 साल के ऊपर हैं या जिनकी उम्र बढ़ रही है, उन सभी के लिए घी एक परफेक्ट टॉनिक है। और वाग्भट ऋषि की बात माने तो उन सभी को घी जरूर खाना चाहिए। यह आपको टॉनिक का भी काम करेगा और बुढ़ापे से होने वाली बीमारियों से भी बचाएगा। दूसरी लाइन में जो अगला श्लोक है वो है प्रजाकांति सौ कुमार्य। जिन लोगों को अच्छी संतान चाहिए या जिनको कांति चाहिए, चेहरे पे ग्लो चाहिए या सॉफ्टनेस चाहिए। अब आज की दुनिया में हर कोई हाई एंड हैंडसम दिखना चाहता है या फिर सुंदर दिखने के लिए हम कुछ न कुछ लवली और फेयर ऐसी बहुत सारी क्रीम ये सब लगाते रहते हैं। पर वाग्भट ऋषि ऐसा कहते हैं कि जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं वो आपको बाहर से सुंदर बनाने का काम करते होंगे, पर घी एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से सुंदर बनाता है, आपके चेहरे पर ग्लो लेकर आता है, शरीर को और स्किन को सॉफ्ट करता है। तो कॉस्मेटिक चीजें तो सिर्फ आपको बाहर की सुंदरता देंगी, पर घी खाना आपको बाहर और अंदर दोनों से सुंदर बनाएगा, अर्थात तन भी सुंदर और मन भी सुंदर। और एक शब्द इसमें आया है स्वरार्थी नाम, अर्थात जिन लोगों को अच्छी वॉइस चाहिए, सुरीली वॉइस चाहिए, या जो लोग गायन का काम करते हैं, जो लोग संगीत की फील्ड में हैं या गाना गाते हैं या भाषण देते हैं और गले से संबंधित, आवाज से संबंधित कोई ना कोई काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए घी एक बहुत अच्छी दवा है। आपको मधुर और अच्छी आवाज चाहिए तो घी खाना जरूर बनता है। तो वाग्भट ऋषि ने अपनी दो लाइन में तो घी के इतने सारे फायदे बता दिए। अब तीसरी और चौथी लाइन में वो बीमारियों की बात करते हैं कि घी केवल सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए नहीं, बीमार लोगों के लिए भी बहुत बड़ी दवा और बहुत जरूरी दवा है। वो तीसरी लाइन में कुछ इस तरह कहते हैं, क्षत क्षीण परि सर्प शस्त्र अग्निल पितात्मना। पहला शब्द है क्षत क्षीण, ऐसे लोग जिनको किसी न किसी तरह की चोट लगी है या जिनका शरीर पतला हो गया है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें शरीर का वजन तेजी से कम होने लग जाता है, जैसे कि टीबी या एचआईवी जैसी बीमारियां, या फिर कैंसर होने पे बहुत बार शरीर का वजन एकदम कम हो जाता है और आदमी एकदम सूखा सा दिखने लग जाता है। तो वो सभी तरह की बीमारी जिसमें शरीर कमजोर, दुबला और पतला हो गया है, और ऐसे सभी लोग जो जन्म से ही कमजोर, दुबले, पतले हैं, उन सभी लोगों के लिए घी एक परफेक्ट दवा है। और ऐसे लोग जिन्हें किसी न किसी तरह की चोट लगी है या फिर एक्सीडेंट कभी हुआ है और उसके कारण अब शरीर में पीड़ा या दर्द बना रहता है, ऐसे सभी लोगों को घी गर्म पानी के साथ प्रयोग जरूर करना चाहिए। फिर एक विशेष बीमारी की बात करते हैं, परिसर्प या फिर हर्पीस। हर्पीस नाम की बीमारी गर्मी के समय में, जो कि खास करके बहुत ज़्यादा होती है, जिसे आम भाषा में नागिन भी कहा जाता है, स्किन के ऊपर एक बीमारी होती है और ये बहुत बार खतरनाक भी बन जाती है। उस बीमारी में जलन जब शरीर में बहुत ज़्यादा होती हो तो घी एक परफेक्ट ऑप्शन है उस जलन को कम करने के लिए। जलन के साथ साथ ही ऐसे लोग जिनमें बहुत गर्मी लगती है या फिर हाथ पैर माथे में, इन सभी जगह पे जलन होती है, उन्हें भी घी खाना चाहिए। जो लोग एसिड या किसी न किसी केमिकल से जल गए हैं या फिर जो लोग आग के आसपास काम करते हैं, जैसे कि रसोइये या फिर धूप में काम करने वाले सेल्समैन, उन सभी लोगों को जो भी गर्मी से परेशान है, ऐसे लोगों के लिए घी एकदम परफेक्ट दवा है और आपको घी जरूर खाना चाहिए। चलते हैं चौथी लाइन पे। चौथी लाइन में वाग्भट ऋषि कहते हैं, वात पित्त विषो उन्माद शोष अलक्ष्मी ज्वरापहम। अब सभी बीमारियों के वो सार की बात करते हैं। कहते हैं वात और पित्त, वात मतलब हवा के कारण होने वाली 80 से ज्यादा बीमारियां, सभी तरह के जो आपके शरीर में दर्द होते हैं या जॉइंट रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं, और पित्त के 40 से ज्यादा बीमारियां, जैसे कि जलन होना, गर्मी लगना, पसीना आना, बाल सफेद होना, झड़ जाना, ऐसे सभी रोग 80 और 40 मतलब 120 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करने की ताकत घी के अंदर है। तो वात और पित्त के जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों में घी एक परफेक्ट औषधि का काम करती है। तभी तो चरक ऋषि अपने सूत्र स्थान के
25वें अध्याय में कहते हैं, सर्पी वात पित्त प्रश्मना नाम श्रेष्ठम, सर्पी अर्थात घी, वात पित्त प्रश्मना नाम मतलब वात और पित्त को अगर आपको कंट्रोल करके रखना है, संयम में रखना है जिससे कि वो आपके शरीर में बीमारी ना करे, तो उसमें घी वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा चरक ऋषि का कहना है। अगला शब्द है विष, सभी प्रकार के जहर। आजकल जब यूरिया डीडीटी जो खेतों में डाले जाते हैं या कॉस्मेटिक के नाम पे हम लोग जो परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज करते हैं, चेहरे पे बहुत से टाइप के केमिकल लगाए जाते हैं, या फिर पॉल्यूशन के कारण होने वाले विष, या फिर ऐसी दवाइयां जो इफेक्ट तो कम करती हैं पर साइड इफेक्ट कई गुना ज्यादा करती हैं, जैसे कि बहुत लंबे समय तक पेन किलर खाना, एंटा एसिड का सेवन करना या फिर स्टीरॉइड का सेवन करना, ऐसे सभी प्रकार के विष को अगर खत्म करना है तो घी एक परफेक्ट दवा है। घी का गुण यह भी है कि वो विष को खत्म करता है, वो चाहे खेतों में डाले जाने वाला हो या शरीर में औषधियों के माध्यम से डाला जाने वाला विष हो, उन सभी बीमारियों में घी एक परफेक्ट टॉनिक है। अगर आपको आज की दुनिया में जहर या विष से बच के रहना है तो खाना घी में बनाइए या खाने में घी का सेवन जरूर कीजिए, ये वाग्भट ऋषि की एडवाइस है। अगली बीमारी है उन्माद। उन्माद मतलब मानसिक पागलपन। अब आज की दुनिया में लगभग हर किसी को किसी न किसी तरह की मानसिक तकलीफ है, तनाव, चिंता, बेचैनी, गुस्सा, डर, ऐसे सभी तरह के जो मानसिक लोचे हैं या दिमाग में ये जो केमिकल लोचा होते रहता है, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए और शांत करने के लिए घी सर्वश्रेष्ठ है। आपने देखा होगा आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग दाग्ड फायर हो जाते हैं, या गाड़ी को थोड़ा भी टच हुआ नहीं और एकदम युद्ध के लिए वो शुरू रहते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए जिनका दिमाग हमेशा हायर या एकदम गर्म ही रहता है, उनके लिए घी बहुत अच्छा है। मानसिक रोग, उन्माद, अपस्मार या दिमाग की कोई भी समस्या हो, उसमें तो चरक ऋषि ने घी, खास करके जो विशेष आयुर्वेदिक औषधियां डाल के घी बनाए जाते हैं, उसका सेवन करने के लिए जरूर कहा है। एक और बीमारी है शोष, अर्थात शरीर का सूखापन। जब भी शरीर सूखने लग जाए, वो चाहे बुढ़ापे में सूखने लग जाए या बीमारी के कारण सूखने लग जाए, जब शरीर केवल हड्डियों का ढांचा ही बचे या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे कि दिमाग सिकुड़ के छोटा होने लगे जिसे एट्रोफी कहते हैं, या किडनी, लीवर, इन सभी का साइज सिकुड़ कर छोटा होने लग जाए, उन सभी बीमारियों में घी एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। उस बीमारियों में वाग्भट ऋषि कहते हैं कि इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगला शब्द है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी अर्थात जो दरिद्रता है, चाहे वो शरीर की हो या फिर दिमाग की, और खास करके जो घर की लक्ष्मी है उसे जो बीमारियां होती हैं, उसमें घी जरूर यूज करना चाहिए। घर की लक्ष्मी अर्थात माँ, बहन, बेटी, पत्नी, ये जितना भी महिला मंडल है या लेडीज डिपार्टमेंट है, उनकी सभी तरह की बीमारियों में घी सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है। अब ये जो घर की लक्ष्मी है, महिला डिपार्टमेंट है, इनके जीवन में तीन बार सबसे बड़े परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला जब 12 या 13 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड शुरू होता है, उस समय पे जितने भी तरह की बीमारियां हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आते समय बहुत जोर का पेट में दर्द होना हो या मासिक धर्म से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें घी का सेवन जरूर कराइए। और चरक ऋषि कहते हैं जितने भी योनि रोग हैं, अर्थात महिलाओं की जो बीमारियां होती हैं, लेडीज की जितने भी तकलीफें हैं, वो सभी का कारण वात या फिर हवा है, और घी हवा और गर्मी इनको कंट्रोल करने की एक परफेक्ट दवा है, तो महिलाओं को घी जरूर खाना चाहिए। दूसरा चेंज उनके जीवन में होता है जब प्रेगनेंसी आती है। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के समय शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उस समय तो घी खाना ही चाहिए। उसके बाद जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद बहुत सी बीमारियां बढ़ जाती है, जैसे कि अचानक से शरीर फूल जाना या हवा भर जाना और शरीर मोटा दिखने लग जाना, या फिर
डिलीवरी के बाद जोड़ों का दर्द और कई तरह की समस्याएं होना, उन सभी समस्याओं में घी एक परफेक्ट टॉनिक है। ऐसी महिलाएं जिनकी डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन से हुई है या सिजेरियन सेक्शन के बाद जो जो तकलीफें होती हैं, उसमें घी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि घी रुक्षता कम करता है, घाव को भरता है और बीमारी से बाहर आने के लिए एक टॉनिक का काम करता है। तीसरा चेंजेस जो महिलाओं की लाइफ में होता है वो है जब मासिक धर्म बंद होने लग जाता है, जिसे कि मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज के समय कई तरह की प्रॉब्लम, जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, शरीर में जोड़ों में दर्द होना, बाल झड़ने लगना, याददाश्त कम होना या फिर अचानक से शरीर फूल जाना, इन सभी समस्याओं का जो कारण है वो हवा और गर्मी है, और इन सभी बीमारियों में घी जरूर खाना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं, वो चाहे बच्चों की हो, हस्बैंड की हो, घर की हो या टीवी सीरियल की ही हो, किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव के कारण शरीर में रस धातु बिगड़ जाती है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मासिक धर्म ठीक से नहीं आता, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उन सभी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और मासिक धर्म को नॉर्मल लाने के लिए घी एक परफेक्ट दवा है, उसका सेवन आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही घी खाने से मन प्रसन्न होता है, क्योंकि स्नेह वर्ड का शब्द होता है चिकनापन या प्रेम, लव। घी खाने से शरीर में चिकनापन या स्नेह बढ़ता है, और जितना ज़्यादा आपके शरीर में स्नेह या प्रेम रहेगा उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, और जितना घर की स्त्रियां खुश रहेंगी उतना घर परिवार खुश और प्रसन्न रहेगा। तो घर की लक्ष्मी के लिए या घर में जो स्त्रियां हैं उन्हें खाना घी में बनाना चाहिए और घी जरूर खाना चाहिए। महिलाओं की समस्या में एक और बीमारी है जिसमें घी बहुत अच्छा काम कर सकता है। ऐसी महिलाएं जिनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी गर्भ धारण नहीं हो रहा, या फिर सभी उपाय करने के बाद घर में संतान नहीं आ रही, ऐसी बीमारियों में चरक ऋषि कहते हैं कि गर्भ धारण करने के लिए मन का प्रसन्न होना सबसे जरूरी है। तो घी जो शरीर से विष निकालता है, शरीर में टॉनिक का काम करता है, मासिक धर्म ठीक से करता है और गर्भाशय को पोषण देता है, तो उन सभी महिलाओं के लिए भी घी खाना तो जरूर बनता है। ऐसे ही वाग्भट ऋषि इतनी सारी बातें करते करते अब आते हैं एक विशेष बीमारी पे, जिसका नाम है ज्वर। ज्वर अर्थात फीवर या बुखार। ऐसे सभी तरह के ज्वर जो 15 दिन के ऊपर हैं, जिसे कि जीर्ण ज्वर कहा जाता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका शरीर हमेशा गर्म लगता होगा, 99 या 100 फ़ारेनहाइट के आसपास टेम्परेचर आता है और शरीर में हमेशा ऐसे लगता है कि बुखार सा बना हुआ है, उन सभी लोगों के लिए या उन सभी तरह के ज्वरों में घी एक बहुत अच्छी दवा है। साथ ही साथ ऐसी बीमारियां जिसमें पहले तो फीवर हुआ था पर अब तकलीफ हो रही है, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया या वायरल फीवर, इन सभी में बीमारी जब खत्म हो जाती है उसके बाद जोड़ों में दर्द होना, बाल झड़ना या कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बुखार तो चला गया पर उसका विष शरीर में बना हुआ है। तो घी विष को तो खत्म करता ही है, साथ ही साथ ज्वर, बुखार या फीवर के जो जो बॉडी पे साइड इफेक्ट्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। और लंबा चलने वाली बीमारियां जैसे कि स्किन डिसऑर्डर, टीबी, एचआईवी, इस तरह के रोग जिसमें कि हमेशा फीवर बना रहता है, उन सभी में घी परफेक्ट दवा है। बुखार या ज्वर के बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है, उष्मा पित्ता द्रुते नास्ति ज्वरो नास्ते उष्मणो बिना, अर्थात जो शरीर में गर्मी है वो पित्त के बिना नहीं हो सकती, और जो ज्वर है वो गर्मी या पित्त के कारण ही होता है, तो पित्त की सर्वश्रेष्ठ दवा घी है। बुखार जो होता है वो पित्त के कारण होता है, घी खाने से पित्त या गर्मी कंट्रोल होती है, बुखार खत्म होता है और ज्वर के सभी साइड इफेक्ट्स भी शरीर से गायब होते हैं। वाग्भट ऋषि अब पांचवी लाइन में ऐसा कहते हैं, स्नेहा नाम उत्तमम शीतम, अर्थात
सभी तरह के जितने भी स्नेह हैं, चिकनी चीजें हैं इस वर्ल्ड में, उन सभी में घी सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी प्रकार की चिकनी या लिपिड वाली चीजें हैं उसमें घी सर्वश्रेष्ठ है। शीतम अर्थात यह ठंडा है और दिमाग और शरीर की जो गर्मी है उसको कम करने में मदद करता है। आगे एक और विशेष शब्द कहते हैं, वो कहते हैं वयसः स्थापनम परम, अर्थात जिन भी लोगों को जवान रहना है, जिन भी लोगों को उम्र कंट्रोल करके रखनी है, ऐसे लोग जो चाहते हैं उम्र तो बढ़ती रहे पर शरीर में जवानी बनी रहे, उन सभी लोगों के लिए घी सर्वश्रेष्ठ है। और वाग्भट ऋषि तो कहते हैं कि ये परम औषधि है, मतलब सभी दवाइयों में उम्र को अगर रोक के रखना है, जवान बने रहना है, युवा दिखना है, तो उन सभी के लिए घी सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से लोग जवान दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी या पता नहीं कितने प्रकार के कॉस्मेटिक और दुनिया भर का अगड़म बगड़म काम करते रहते हैं। ऐसे सभी लोग अगर सिर्फ घी ही खाएं तो त्वचा मुलायम सुंदर बनी रहेगी और जवानी भी लंबे समय तक कायम रहेगी, ये वाग्भट ऋषि का कहना है। छठी लाइन में वो ऐसा कहते हैं सहस्त्र वीर्यम विविधिर विघ्रितम, अर्थात अगर इसे आयुर्वेदिक पद्धति से बनाकर रखा जाए तो इसके हजारों गुण हैं। अभी तक जो कुछ भी बताया गया वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो घी अगर आयुर्वेदिक पद्धति से बनाया जाए, आयुर्वेद में घी बनाने की कुछ विशेष पद्धतियां हैं, तो इसके अंदर हजारों गुण आ जाते हैं और कर्म सहस्त्रकृत अर्थात ये हजारों तरह के काम कर सकता है, हजारों बीमारियों को खत्म कर सकता है। इसलिए आयुर्वेद में लिखा है कि घी का जो एक्सप्लेनेशन है वो अनंत है, इसके इतने फायदे हैं कि आप जितना बोलोगे उतना कम पड़ेगा। इसलिए वैद्य चिकित्सक या डॉक्टर खुद की बुद्धि का प्रयोग करें और उस बुद्धि के हिसाब से इलाज करें, क्योंकि घी के फायदे अनलिमिटेड है, इनफिनाइट है वो। अब घी के इतने सारे फायदे सुनने के बाद बहुत से लोग हो सकता है कि एकदम घबरा जाए और बोले ऐसे थोड़ी ना होता है, आयुर्वेद में बढ़ा चढ़ा के बोला होगा, हमको प्रूफ चाहिए, प्रूफ कुछ मॉडर्न का बताओ, मॉडर्न साइंस या रिसर्च के बारे में बताओ तो माने। तो ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि आयुर्वेद में घी के फायदे बढ़ा चढ़ा के बताए हैं, उन सभी के लिए कुछ रिसर्चेस या मॉडर्न साइंस की बात कर लेते हैं। ध्यान रखें, आज से 15-20 साल पहले जो वेद और आयुर्वेद को गाली देते थे, आज वो आयुर्वेद के नाम पे दवाइयां बेचते हैं और वेद शक्ति और पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। तो आयुर्वेद में कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा गया है, जो भी है परफेक्ट है। साइंस को अभी समझने में उसे बहुत टाइम लगेगा। चलिए कुछ रिसर्चेस जानते हैं। रिसर्चेस ऐसा कहती हैं कि घी एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है और इसका मेटाबॉलिज्म जल्दी होता है, अर्थात यह शरीर में अच्छे से पाचन होता है। यह सीरम और इंटेस्टाइनल दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल या कम करती है। ध्यान रखिए, ऐसे सभी लोग जो जीरो फैट या जीरो कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं वो आगे जाके मानसिक या दिमागी रोग से बीमार हो जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन पूरे शरीर का 25% कोलेस्ट्रॉल खुद रखता है। तो दिमाग को काम करने के लिए लिपिड या कोलेस्ट्रॉल जरूरी है और घी कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। फिर घी के बारे में रिसर्चेस एक और चीज कहती है कि यह टोटल सैचुरेटेड फैट है। जो तेल है वो पॉलीसैचुरेटेड है, अर्थात तेल को अगर गर्म किया जाए या ज्यादा तेज गर्मी उसको दी जाए तो वो विष बन जाता है या उसके अंदर टॉक्सिन्स केमिकल बनने लग जाते हैं। पर घी के साथ ऐसा नहीं है, घी गर्म करने के बाद भी खराब नहीं होता और अपने अंदर के गुणों को संभाल के रखता है। जितने भी लिपिड सॉल्यूबल विटामिन्स है जैसे कि विटामिन ए डी ई के, इन सभी तरह के विटामिन्स का घी एक परफेक्ट सोर्स है। इन सभी विटामिन्स के कमी होने पे शरीर में आंखों की बीमारी से लेके नपुंसकता तक या कंटिन्यू खून बहना या फिर मानसिक रोग या हड्डियों की बीमारियां हो सकती है, तो उन सभी बीमारियों में घी एक परफेक्ट टॉनिक है, क्योंकि इसमें सभी तरह के लिपिड सॉल्यूबल विटामिन्स पाए जाते हैं। और ऐसे लोग जिन्हें लैक्टोज
या कैसीन का इंटॉलरेंस है, अर्थात ऐसे लोग जो दूध नहीं पी सकते या फिर गेहूं की चीज़ें नहीं खा सकते, वीट की चीज़ें नहीं खा सकते क्योंकि उससे उनको एलर्जी होती है, ऐसे सभी लोगों के लिए घी सुटेबल है क्योंकि घी शरीर से टॉक्सिन्स तो निकालता ही है, यह मेटाबॉलिज्म भी सुधारता है। तो फूड एलर्जी से जो लोग परेशान हैं उनके लिए घी एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। पेट में जो ब्यूट्रिक एसिड बनता है, जो जिसका कि इम्यूनिटी के साथ डायरेक्ट संबंध है, उसको घी बनाने में मदद करता है। जो इमोशनल हॉर्मोन्स हैं, अब वैज्ञानिक ऐसा कहने लगे हैं कि जितने भी लोग जो निगेटिव सोचते हैं, जो तनाव चिंता डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, उनके अंदर जो निगेटिव हॉर्मोन्स बनते हैं वो सभी शरीर में फैट या चर्बी का रूप लेकर इकट्ठा हो जाते हैं और शरीर में मोटापा बढ़ाता है। साथ ही साथ जन्म से जिन लोगों को स्टब बॉर्न बेली फैट है, अर्थात ऐसी चर्बी जो कि कुछ भी कर लो, कितना भी व्यायाम कर लो, उन सब से नहीं जाती, ऐसे सभी लोगों के लिए घी एक अच्छा सॉल्यूशन है क्योंकि यह जो दिमाग की नेगेटिव इमोशंस है उसको कंट्रोल करता है और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी मदद का काम करता है। वैज्ञानिकों ने घी के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी पाई हैं, जैसे कि हमने पहले बात की थी चिकनगुनिया या वायरल फीवर, इन सभी बीमारियों में या HIV जैसी डिजीजेस में घी एक परफेक्ट काम है। और विशेष करके आपका जो ब्रेन है, दिमाग है और शरीर के बीच में जो एक गेट है, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे कहा जाता है, उसके अंदर सिर्फ लिपिड सोल्यूबल चीज़ें ही जा सकती हैं, या फिर आपका जो ब्रेन है उसके अंदर जो सेल्स हैं जिसे कि न्यूरॉन कहा जाता है, अब इस न्यूरॉन के अंदर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, एक्सॉन या बाकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, उन सभी के लिए घी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका पूरा एरिया 80% लिपिड अर्थात चिकनी चीज़ों से बनता है और सभी चिकनी चीज़ों में घी बेस्ट है। तो ब्रेन रिलेटेड जितने भी टॉनिक है, ब्रेन रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी में घी सर्वश्रेष्ठ है, यह मॉडर्न साइंस का कहना है। तो घी के आयुर्वेदिक और मॉडर्न फायदे जान लिए। अब पिछले वीडियो में दो बूंद जिंदगी की ऐसे करके हमने एक पिछला वीडियो डाला था, उसमें ऐसा कहा था कि भाई आप अपने बच्चों को संपत्ति या फिर जमीन जायदाद देने से अच्छा है कि उन्हें घी देकर जाना। आप घी इकट्ठा करके रख लो और 20, 30, 40 साल बाद जब भी आप कुछ अपने बच्चों को गिफ्ट देना हो तो घी देना या पुराना घी देना। अब ये पुराने घी का क्या साइंस है और पुराना घी क्यों आपके बच्चों के लिए एक परफेक्ट उपहार है, इसके बारे में वाग्भट ऋषि की बातें जान लेते हैं। वो कहते हैं पुराने घी के बारे में, मद अपस्मार मूर्छाया शिरा कर्ण आक्षी योनिजान। सबसे पहली बात तो कहते हैं मद्यपान, जो भी लोग दारू पीते हैं या दारू पीने के कारण, शराब पीने के कारण जिनका शरीर खराब हो रहा है, या अल्कोहल, इसके जैसे सभी प्रकार के नशे करने के कारण शरीर के अंदर अब बीमारियां या तकलीफें हो रही हैं, उन सभी बीमारियों में पुराना घी सर्वश्रेष्ठ है। तो चाहे आप दारू छुड़ाना चाहते हो या दारू पी रहे हैं और उसके कारण अब परेशान हो रहे हैं, दारू के साइड इफेक्ट्स को कम करना हो, उन सभी के अंदर घी परफेक्ट टॉनिक है क्योंकि यह शरीर से विष खत्म करता है और यह ठंडा है। सभी प्रकार के अल्कोहल नेचर में गर्म होते हैं, बियर भी, सभी प्रकार के अल्कोहल गर्म है, घी ठंडा है, तो यह अल्कोहल के जो भी साइड इफेक्ट्स है उससे बचाता है। अपस्मार मूर्छा अर्थात दिमागी रूप से या दिमाग की कई बीमारियों में एक अपस्मार एक बीमारी है, आज के ज़माने में हम उसे कन्वल्जन या फिर डिप्रेशन से जोड़ सकते हैं। अब आपने बड़ी से बड़ी हस्तियों को डिप्रेशन के कारण आत्महत्या करते हुए सुना होगा। अभी लेटेस्ट कई न्यूज़ भी आई थी कि बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत सी बड़ी चीज़ें अपने जीवन में अचीव की, उन्होंने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर ली। तो मनोअवसाद या डिप्रेशन की जो बीमारियां हैं, अपस्मार जैसी, या जिन लोगों को चक्कर आता है, चक्कर खा के गिर जाते हैं, खास करके ऐसे बच्चे जो मेंटल रिटार्डेड हैं, दिमागी रूप से जो मंद बुद्धि हैं, उन सभी के लिए घी एक बहुत अच्छी दवा है। उसको खाने में और नशे के रूप में यूज़ करना चाहिए, खास करके पुराना घी। और ENT गले के ऊपर की तीन बीमारियाँ, शिरह, कर्ण और अक्षी अर्थात सिर के रिलेटेड सभी बीमारियाँ,
कान से संबंधित सभी रोग, ऐसे लोगों को जिनको कान में बहुत आवाज आती है या कान से सुनाई नहीं देता, या उम्र बढ़ने के साथ साथ अब कान से जो सुनने की शक्ति है वो कम होने लग गई है, ऐसे सभी रोगों में घी परफेक्ट है। आयुर्वेद तो ये भी कहता है, सामान्य कर्ण रोगेशु घृतपान रसायनम, अर्थात घी कान के सभी रोगों में। अगर आपको टॉनिक चाहिए तो घी बेस्ट है। कान की कोई भी बीमारी से परेशान है, खाना खाने के बाद दो दो चम्मच घी आप जरूर खाइए, एक परफेक्ट टॉनिक है। अक्षी, आंखों की बीमारियां, 76 से ज्यादा आंखों के डिसऑर्डर्स होते हैं, वो चाहे कम दिखाई देना हो या फिर छोटे छोटे बच्चों को जो चश्मा आ जाता है, उम्र के साथ आंखों की बीमारियां जैसे कि ड्राई आई सिंड्रोम, आंखें एकदम सूख जाती हैं, या आंखों के अंदर का जो रेटिना है, उन सभी की जो बीमारियां हैं, इन सब में घी एक परफेक्ट दवा है। तो दिमाग, कान और आंखों की बीमारियां आज के ज़माने में जब इंटरनेट, मोबाइल, इन सब के कारण यह सब रोग बहुत बढ़ रहे हैं, तो घी कमाल की चीज़ है यार। और योनि रोग, जैसे कि हमने पहले ही कहा, घर की लक्ष्मी या घर का जो लेडीज डिपार्टमेंट है उनके जो योनि के रोग हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल संबंधित जितने भी रोग हैं, यूटेरस, गर्भाशय, ओवरी, इन सब से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उनका आप कुछ भी नाम रख लें, PCOD हो, फाइब्रॉइड हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी समस्याएं हो, इन सभी बीमारियों में घी एक परफेक्ट दवा है, क्योंकि वह गर्भाशय की बीमारियां तो खत्म करता ही है, साथ ही साथ गर्भाशय के लिए टॉनिक का काम करता है। तो महिलाओं को खास करके योनि रोग में घी जरूर खाना चाहिए। और इतने लंबे लेक्चर की जो लास्ट लाइन है वो है, पुराणम जायते व्याधिन व्रण रोपण शोधनम, अर्थात पुराना घी जितना पुराना होगा वो उतना बेस्ट होगा। और व्रण, व्रण मतलब घाव, अब कई तरह के घाव, चाहे वो वेरिकोस वेन के घाव हो, डायबिटिक अल्सर हो, या फिर ऐसी बीमारियां जिसमें चोट लग जाती है और शरीर में घाव ही नहीं भरता, चोट तो लग गई पर वो घाव ठीक नहीं हो रहा, उसमें से पस आ रही है, दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, इन सभी बीमारियों में घी एक परफेक्ट दवा है। आयुर्वेद में तो हजार साल पुराने घी का वर्णन है, और पहले के जमाने में जब युद्ध होता था उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी इंजरीज या चोट लगती थी उसको भरने के लिए घी एज ए एंटीसेप्टिक और घाव भरने वाली दवा के रूप में यूज किया जाता था, और उसके कमाल के रिजल्ट मिलते थे। तो भाई, अब आप अगर कोई भी टॉनिक ढूंढ रहे हैं तो किसी भी मार्केट में मिलने वाले टॉनिक को छोड़कर शुद्ध घी खाइए, आपको दुनिया का जितना भी मल्टीविटामिन से लेके जितना भी एनर्जी बूस्टर या टॉनिक चाहिए वो सब का सब घी में छुपा हुआ है। पर कौन सा घी, घी के फायदे तो सुन लिए, कौन सा घी खाएं उसके बारे में भी वाग्भट ऋषि ने कह रखा है। वो कहते हैं, गव्य शीर घृते श्रेष्ठ है, गव अर्थात गाय, गौ माता या देसी गाय का जो घी है और उसका दूध है वो सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो सभी घी अच्छे हैं नेचर में, और उनका कुछ न कुछ प्रयोग आयुर्वेद में जरूर बताया है, पर जो गाय का घी है और वो भी देसी गाय का घी बिलौने से निकाला हुआ, हाँ ये जो केमिकल फैक्ट्री में या फिर मशीनों से निकाला जाता है वो नहीं, जो गाय का घी है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। घी के बारे में एक और बात ध्यान रखिए कि घी की चीजें खाने के बाद आप चाहे उसे खाने में खा रहे हैं या फिर रोटी, चपाती, राइस, इन सब में मिलाकर खा रहे हैं, उसके बाद आपको गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि घी खाने के बाद गर्म पानी पीने से उसका पाचन अच्छे से होता है। अगर घी की चीजें खाकर आप ठंडा पानी पियेंगे तो वो पचने में और हैवी हो जाएगा, तो घी का कभी भी प्रयोग करें तो गर्म पानी के साथ प्रयोग करें। और आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, ये तीन ही चीजों के ऊपर चिकित्सा होती है, इन्हीं के ऊपर पूरे का पूरा आयुर्वेद का विज्ञान कहा है, और घी इन तीन के तीनों रोगों को ठीक करता है। कैसे, एक श्लोक से जानते हैं, वाते श लवणम शर्पी पित्तम केवल म्रियते वैद्यो दद्दात बहुकफे चार त्रिकटु कान्वितम, अष्टांग संग्रह 25वां अध्याय 34वां श्लोक। अष्टांग संग्रह में ही वाग्भट जी कहते हैं कि वात की बीमारियों में, हवा से संबंधित रोगों में घी को नमक के साथ प्रयोग किया जाए,
अर्थात घी लेकर उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डाल लें और उसको हल्का सा गर्म करके इसका प्रयोग किया जाए। जैसे कि सूखी खांसी, जिन लोगों को बहुत सूखी खांसी आती है या मल बहुत कड़क होता है, पेट साफ नहीं होता, मल एकदम कड़क सा आता है, ऐसे रोगों में घी को थोड़ा नमक डाल के प्रयोग करें तो हवा की 80 से ज़्यादा बीमारियाँ, पैरालिसिस से लेकर जॉइंट पेन तक, उन सभी में घी नमक के साथ यूज़ किया जाए तो बेस्ट है। अगर पित्त की बीमारी है, जैसे कि गर्मी लगना, बाल सफ़ेद होना, बहुत पसीना आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, तो उन सभी बीमारियों में आप केवल घी खाओ। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जिसमें भी हो आप घी मिलाकर खाओ। और अगर आपको कफ की बीमारियां हैं, जैसे कि दमा, अस्थमा, कफ बहुत हो जाना, आलस बहुत आना, उस समय अगर आप घी का प्रयोग कर रहे हैं तो क्षार या उक्षार नाम की एक औषधि होती है, और त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च और पीपर, इन सभी को थोड़ा सा घी में मिलाकर खाइए तो कफ के होने वाले आलस, मोटापा, इन सभी बीमारियों को भी घी ठीक रखने की ताकत रखता है। तो वात की 80, पित्त की 40 और कफ की 20, कितने हो गए? 140 से भी ज़्यादा रोग घी ठीक करता है। अब घी के बारे में कहने के लिए अंतहीन चीज़ें हैं, पर मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। तो समझने वाले समझ गए हैं और ना समझे वो अनाड़ी है। तो अब तो आप भी कहेंगे ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। ऐसी दवा वर्ल्ड में कहाँ मिलेगी जो इतनी बीमारियाँ ठीक करती हो और आसानी से हमारे घर में उपलब्ध हो। इसलिए जब तक जियो सुख से जियो, और उधार लेकर भी घी खाना पड़े तो घी जरूर खाओ। हम बहुत सी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं, जैसे कि लोन पे फ़ोन या कपड़ों के लिए, घर के लिए, वो सभी चीज़ें यहीं पे रह जानी हैं। तो भाई जब जीना ही है, शरीर के लिए जीना है, खुद के लिए जीना है और सुख के लिए जीना है, तो उधार लेकर भी घी खाया तो कौन सा नुकसान है। ध्यान रखे गाय का घी। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और घी की यह जानकारी जो कि आयुर्वेद में कही गई है आपको पसंद आए तो दूसरों तक जरूर पहुँचाएँ। घी के बारे में आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी या घी के बारे में अब और क्या आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि नए नए आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और घी खाते रहें।